मैं किसका क्या नंबर है वो तो सर, ठीक है सर, मैं सर, बाद सर. में देख लूंगा, लेकिन कितने क्या होते हैं आइसोटोप आइसोबार वो बताओ बस। सर एक चीज बोल सर दीजिए. अरे यार वो एक्सक्यूज चीज ही मी पूछ लो, सर. अभी अभी आता करता कुछ नहीं है, फर्जी पूछना है। एक बात बताओ पहले, आइसोटोप पता है कि नहीं पता? नो सर सर, नहीं आइसोटोप में सर पता सर. उसकी सर एटॉमिक मास सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. कोई एग्जांपल? सर बता दो सर, जैसे कि सर क्लोरीन के चार होते हैं सर, उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास अलग अलग होते हैं, 50, 51, 52, 53. बेटा क्लोरीन का 35 होता है एटॉमिक मास। एक्सक्यूज मी अरे सर, कितना मजाक करते हो सर यार। सर एग्जैक्ट याद नहीं है सर, उस सर सर एग्जाम्पल आपने देने के लिए पिछले बता रहा लेक्चर था. में बोला था मंडे वाले में कि वो लेक्चर नहीं हो पाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे सर, आपने गुड रिकॉर्डिंग नहीं क्वेश्चन, भेजी. गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मैं बताऊंगा बेटा क्लास एंड होने के बाद। बेटा कुछ लास्ट वीक कुछ बच्चों के पेपर थे, तो सर ने बोला कि रहने दो इस वीक, क्योंकि ज्यादा बर्डन वैसे भी है, इसलिए मैंने नहीं भेजा। और मतलब सैरियस सर आप हाँ उसके आगे से कंटिन्यू करवाएंगे ना, हाँ हार्ड वीक के कंटिन्यू आगे वहीं से. से करवाऊंगा मैं, उसके बाद एक लेक्चर में एक्स्ट्रा भेज दूंगा इस वीक में, नेक्स्ट वीक में, ठीक है? पेपर आपके खत्म हो जाएंगे तो। यस एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। द विच चैप्टर इज दिस? नया नया एडमिशन है यस सर. बेटा, दिस इज सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर में आपने आपको बताया गया होगा कि वो साइंथेटिक मटेरियल के बारे में दिखाया गया है, तो उसमें मैं डिस्कस यस कर रहा सर. था कुछ। तो पेज ओके सर. नंबर 28 पे अपन थे हाँ और अपन ने बात की थी। देखो भाई ये तो थोड़ा बहुत हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो हमें करना ही पड़ेगा मॉड्यूल के साथ साथ, ठीक है? तो अब आपको वो देख के यस चलना है। और दूसरी बात है, अभी मैंने आपको स्पिनिंग वगैरह थोड़ी बहुत बता दी थी, मैं आइसोटोप बता देता हूँ एक बार जल्दी से। बेटा आइसोटोप वो होता है जिसमें एटमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, सेम एटमिक होता है नंबर सर, सेम होता है और एटमिक वेट डिफरेंट होती है. अगर एटमिक नंबर सेम हो एटमिक वेट डिफरेंट हो तो उसे हम बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोटोप में जैसे कि हमारा एग्जांपल है नाइट्रोजन 7914 7915, तो एक का एटमिक वेट 14 एक का एटमिक वेट 15, ठीक है? तो ये एक तरीके के आइसोटोपिक हैं एक दूसरे के, राइट? कोई दिक्कत? यस सर, नो दिक्कत सर. और कैसे 14 और 15? बेटा मतलब ये होता है कि कुछ एटम, ज्यादातर एटम जो 99% एटम होते हैं वो उनके एटमिक वेट 14 होते हैं, लेकिन कुछ एटम नाइट्रोजन में ऐसे भी होते हैं जो जिनके वेट कैलकुलेट करने पे वो 15 मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये उसी उसी जो जो हमारे पास 14 का एटमिक वेट था नाइट्रोजन का, उसी का एक आइसोटोप है, मतलब उसी का एक उसी के परिवार का है, बस इसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, राइट? यस सर. कहने का मतलब ओके फैमिली वही है, सर. एटमिक नंबर सेम है तो नाम वही है, प्रॉपर्टी वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, हो सकता है कि हाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो भी न्यूट्रॉन में केवल डिफरेंस होगा उसके वेट को बढ़ाने के लिए। प्रोटॉन भी फिक्स होगा, इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होगा, जो भी चार्ज होगा फिक्स होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी फिक्स होगी, सब कुछ वही होता है, बस केवल थोड़ा सा वेट में डिफरेंस रहता है, वो भी कुछ एटम होते हैं एक दो चार। अगर 100 को कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 में एक आध मिलेगा जिसके पास 15 का एटमिक नंबर आएगा नाइट्रोजन के ओके पास, राइट? बेटा समझ में आ रही है सर, बात? जिसने पूछा था उसको समझ में आया? यस सर. समझ में आया. ओके अब उसी तरह से होते हैं आइसोबार्स। बेटा आइसोबार कुछ है नहीं, बस सेम इसका उल्टा होता है। अगर एटमिक नंबर डिफरेंट हो, एटमिक वेट सेम हो, और एटॉमिक वेट सेम सेम हो, ठीक है? तो इसके पास क्या होगा, एटमिक वेट और एटमिक वेट सेम होगा और एटमिक नंबर डिफरेंट होगा। जैसे कि हमारा होता है पोटेशियम, तो 19 के 40, कुछ पोटेशियम के एटम ऐसे होते हैं जिनके पास 40 एटमिक नंबर होता है, और 20 के Ca 40, तो यहां पर एटमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका एटमिक वेट सेम है, इसलिए ये क्या हो गए, एक दूसरे एक्सक्यूज के आइसोबारिक आई हो गए। तो बात. यस बेटा, एक्सक्यूज मी यस बेटा। सर, आप आर्गन का ले सकते थे ना सर, क्योंकि हाँ सर आर्गन आर्गन का का भी, तो आर्गन का टारगेट भी, 40 आर्गन का भी होता है. ले, आर्गन में भी कहीं कहीं 40 A 40 होता है, तो इसको आप आर्गन का भी ले सकते हैं। आर्गन पोट आर्गन पोटेशियम या कैल्शियम तीनों का यूज हो सकता है, राइट? तो तीनों एक सर दूसरे हम के बुक आइस देखें.
हाँ जी सर, डिसाइड कैसे करेंगे कि ये आइसोटोप है या ये नेचुरली फॉर्मड है? इनको ये आइसोटोप है आइसोबार है वो तो हम देख के डिसाइड करेंगे, तो पता हमें होगा कि अब दो एटम ऐसे दिए गए होंगे, उनके एटमिक नंबर एटमिक वेट दिए गए, तो बता देंगे भैया इसमें ये आइसोटोपिक है ये आइसोबारिक है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें ये नहीं पता है कि कौन आइसोटोप है कौन आइसोबार है, हम अपने आप से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये लिखा गया है ऑलरेडी। अब जैसे नाइट्रोजन का ऑलरेडी बताया गया कि नाइट्रोजन के दो तीन आइसोटोप होते हैं, तो इसलिए लोग इसके बारे में बात करते हैं, फ्लोरीन के होते हैं इसलिए बात करते हैं, इनके वेट में एटॉमिक वेट सेम किससे रहता है मतलब? सर उसमें लिखा है एटॉमिक वेट तो सेम, तो सर सेम का मतलब है किससे सेम है? अरे यार एक पोटेशियम है, एक पोटेशियम है, कैल्शियम है, आर्गन है, तीनों का एटॉमिक वेट सेम लिखा है या नहीं लिखा है? देखो हां सर इसका मतलब सर यही चॉइस है, इसका मतलब यही तो हुआ ना कि एटॉमिक वेट सेम होगा, दो जब दो तीन एलिमेंट लिए गए हो उनके एटॉमिक वेट सेम हो और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं, राइट? आइसोबार। अच्छा मान लो एक क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि 7N14 है, ओके, इसके पास एक आइसोटोप है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, आइसोटोप ऑफ 7N14 और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है आपको, आप बताओ कोई बता सकता है? यस सर इट विल बी 7 एज इट इज 7 इट विल बी 7 बिकॉज़ आइसोटोप के पास भी एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा ना भैया, और प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं तो ऑब्वियसली वो 7 ही आएगा, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर ये किस तरह के क्वेश्चनों में यूज होते हैं आइसोटोप आइसोबार? बेटा लिखा हुआ होता है कि इसमें ये दो एक दूसरे के आइसोटोपिक हैं, ये दो एक दूसरे के आइसोबारिक हैं, तो वहां पर क्वेश्चन में दिया गया होगा तब हम उसको समझ जाएंगे कि आइसोटोपिक हैं आइसोबारिक हैं, या कभी कभी डायरेक्टली दो चीजें ऐसी लिखी गई होंगी, मान लो अभी आपके सामने ऐसे कोई एकाएक से क्वेश्चन आ जाए कि सर आपके पास दो एलिमेंट दिए गए हैं 19K40 और 20CA40, अब आपसे पूछा गया ये है एक्स और ये है वाई, ठीक है, या मान लो दिया गया कि यक्स के पास एटमिक नंबर, मान लो ऐसे दिया क्वेश्चन, यक्स एक एलिमेंट है उसके पास एटमिक नंबर 19 है और एटमिक वेट 40 है, वाई एक एलिमेंट है उसके पास एटमिक नंबर 20 है और एटमिक वेट 40 है, तो आप अपना दिमाग लगा लोगे कि भैया दोनों एक दूसरे के आइसोबारिक हैं, राइट? तो अगर आपके पास ऑप्शन में दिया गया है कि यक्स एंड वाई आर और यहाँ पर ऑप्शन कई सारे दिए गए आइसोटोपिक आइसोबारिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसोप्रोटोनिक जो भी दिया गया हो, तो आप उसको समझ जाना कि वो एक क्या है आइसोबारिक है। अच्छा आइसोबारिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ रहे हो क्या होता है सर? आप बता दीजिए। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं? नहीं, अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन मिल जाए जैसे मान लो आपको दिया गया है नाइट्रोजन माइनस 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 और दिया गया है सोडियम प्लस प्लस, सोडियम प्लस दिया गया है, अब यहां पर ये एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कैसे? जब दो एटम्स में आपस में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो तो वो एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करना, इसके पास 3 नेगेटिव चार्ज है, एटमिक नंबर 7 था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, कैलकुलेट कर लेना। होगा या नहीं? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ लोगे और इसके पास Na+ कर दोगे, जैसे Na+ करोगे उसके पास बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, क्या दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर नहीं हुए? हुए ना, इसीलिए प्लीज। अरे बेटा ये तो बता ही दिया है 4-5 बार यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, तो मैंने पता नहीं कितने क्वेश्चंस करवा दिए यार इसके ऊपर। तो मतलब नीचे आपने क्या करा कि Na पे 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ये कैसे करा? अरे यार Na है तो इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। यस सर। अब एक अगर Na+ हो गया क्या मतलब हुआ इसका? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यही तो मतलब हुआ? यस सर। यस सर। भैया ऐसे समझना, घर से यार प्लीज यार सर सर मत करो, दो मिनट सुनो, अगर घर से कोई भी निगेटिव इंसान बाहर निकलता है तो घर में हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, एक बात समझ जाना, अगर आपके घर में कोई निगेटिव इंसान आएगा तो आपके घर में निगेटिविटी लेके आएगा और घर में निगेटिविटी फैल जाएगी, तो आप समझो एक एटम अगर निगेटिव है तो अगर निगेटिव के पास अगर कोई निगेटिव, अगर मान लो एटम है उसके पास बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी हैं, अगर कोई निगेटिव इंसान बाहर निकलेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलेगा तो घर में एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। बेटा कितनी बार क्लास में बताया ये बात यार मैंने,
कैसे ये तो बताया? तो ऑब्वियसली जब बताया है सोडियम के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हुए 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हुए। अब बताओ सर, सर कौन कर रहा था? सर मैं कर रहा था। हाँ हाँ बोलो सर, सर बोलो। सर आपने उसमें लिखा था कि एन जो आपने जब बताया था तो आपने बोला था कि चार्जेस उसमें वेरी भी करते हैं, ज्यादातर 3 रहते हैं पर वेरी भी करते हैं। तो यहाँ पर तो फिक्स्ड गिवन है ना, यहाँ पर वेरी और फिक्स का क्या मतलब है? हमने तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 3-4 दिया रहेगा क्वेश्चन में। ऑब्वियसली जब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में दिया है वो कि 3-4 ऊपर है। अब एन ट्रिपल माइनस और एन ए प्लस दिया हुआ है तो उसमें क्या सोचोगे? क्वेश्चन में दिया रहेगा बेटा वो एन ए प्लस और एन ट्रिपल माइनस है। अब ये दोनों दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो प्रोटोनिक है। क्या है आइसो प्रोटोनिक का मतलब होता है? अब देखो अगर आपको मैं बताऊं, दो कंपाउंड ए और बी है, मान लो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, ए और बी दो कंपाउंड है और दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं, तो क्या ये एक दूसरे के आइसोप्रोटोनिक होंगे? क्या भैया जब आइसोटोप हैं, आइसोटोप है, नहीं सर नहीं होंगे। अरे सुनो प्रोटॉन, सुनो आइसोटोप है इसका मतलब दोनों में एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा ना। यस सर। अगर दोनों में एटॉमिक नंबर सेम ही होगा तो दोनों में नंबर प्रोटॉन तो सेम ही होंगे। तो बताया सर प्रोटॉन सेम होंगे सर। तो जब प्रोटॉन सेम ही होंगे तो दोनों के आइसोप्रोटोनिक कहलाएंगे कि नहीं? यस सर कहलाएंगे। समझ में आ गया? आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो प्रोटोनिक। कोई समस्या? नो सर कोई समस्या नहीं है। हमें नहीं लगता यार, पता नहीं यार। थैंक यू सर। समस्या सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे आइसोटोप है उसमें नाइट्रोजन है वो एग्जांपल हो गया, ऐसे और कौन कौन से एग्जांपल है? ऑक्सीजन का भी होता है बेटा, ऑक्सीजन के पास भी 8 और 16 और ऑक्सीजन के पास 8 और 17 होता है, ऐसे बहुत से एग्जांपल होते हैं। कार्बन के पास भी होता है 12 और 13 दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ ही एटम होते हैं, नहीं हर एलिमेंट का नहीं होता है, कुछ का ही होता है। आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं पूछ रहेगा ऑक्सीजन का होता है कार्बन का होता है। इतनी बड़ी केमिस्ट्री क्लास 8 में नहीं पूछा रही किसके पास आइसोटोप होते हैं किसके पास नहीं होते हैं, बस इतना पूछा था कि क्या होता है आइसोटोप, कैसे जानते हैं कैसे पहचानते हैं। समझ गए? क्लास 10th में तो पूछा जाएगा। क्लास 10th में भी नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा कि किसके किसके पास आइसोटोपिक पाए जाते हैं। बस कुछ एग्जांपल्स ही हैं जिनको आपको याद करना है, जैसे कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कुछ कुछ आपको पता होना चाहिए बस, ज्यादा जरूरी नहीं। हाँ IGS का दे रहे हैं तो सर 10th का भी आएगा तो। अरे नहीं पूछा जाएगा यार, नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा कि किसके किसके पास आइसोटोपिक प्रेजेंट है। यस आइसोटोप प्रेजेंट होने का मतलब समझ रहे हो कि आपको 118 एलिमेंट के अंदर तक की बात जाननी है, हर किसी घर में घुस घुस के उसको पता करना है कि उसके कोई भाई भाई प्रेजेंट तो नहीं है। अब कितने को पता करोगे यार तुम? यस तो बताओ, अब ऐसे अगर याद करने लायक हो गया तो इसका मतलब यही है कि आपको बताया जाएगा कि हाँ ये दो एलिमेंट है इनमें आपको बताना है। अब ऐसा तो नहीं कि 18 एलिमेंट में पूरा पीरियडिक टेबल आपको दे दिया जाएगा किसके किसके पास प्रेजेंट है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, कॉमन सेंस, किसके घर में जाके देखो किसके कितने भाई है। यस ठीक है आगे बढ़ू। यस सर। यस सर। रुद्रांत शर्मा IGSU की तैयारी कर रहे हो? यस सर। हाँ यस सर कर रहा हूँ। लेक्चर सारे देख लिए? सर अभी सारे नहीं देखे हैं लेकिन अभी देख रहा हूँ धीरे धीरे। कार्तिक शर्मा सर देख लिए सर, 4 देख लिए सर, 6 डाले हैं ना, कितने हैं ये से? पार्ट 5 के 2 पार्ट डाले हैं। हाँ सर। सर सर आप सर समझा रहे हो, समझ में तो आ रहा है सर सब कुछ। ठीक है फिर देखते हैं कौन कौन बाजी मारता है। हमारी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट होगा कोई बाजी मारेगा तो। अगर किसी के मार्क्स अगर 9th के किसी बच्चे से ऊपर आ गए, अगर 8th और 9th के बच्चे अगर साथ साथ IGSU का एग्जाम दे रहे हो और किसी के मार्क्स 9th वाले से अच्छे आ गए तो फिर तो समझ लेना कि यार मेरे तरफ से बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आने चाहिए मार्क्स। yes. ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कि जो पढ़ाएंगे उसके बाहर से देंगे, 9th वाला आपने नहीं पढ़ा, जो आपको पढ़ाया जाएगा वो उसी में से दिया जाएगा। अगर मार्क्स आए तो बताना, अब इतना तो कर ही सकते हो। नहीं वो नहीं, वो नहीं है, टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, जब टेस्ट होंगे तो। टेस्ट सीरीज सर IGSU का पेपर कब होता है? वो तो नवंबर में होगा, लेकिन जो टेस्ट होगा ना तो टेस्ट में पूछ रहा हूँ, अगर टेस्ट में किसी के मार्क्स आ गए ना 9th के भी ऊपर आ गए तो फिर आके मिलना यार हमसे।
जरूर मिलेंगे सर। ठीक है, नाइलॉन की बात करते हैं, तो नाइलॉन में हमने काफी चीजें बताई थी बेटा। इट इज द फर्स्टली फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर एंड इट वाज प्रिपेयर्ड। लास्ट टाइम आप नाइलॉन लिखवा चुके थे ना, नाइलॉन के बारे में बता रहे थे बेटा हम। सर आप बता रहे थे लेकिन आपका नेट नहीं चल रहा था। ओके बेटा, अपने अपने मॉड्यूल्स खोलो और पेज नंबर 29 पे खोलो। अभी सारे के सारे अपने मॉड्यूल्स ओपन करो पहले। कुछ चीजें हैं जो समझ के पढ़नी पड़ेंगी आपको, जो टेक्सटाइल का पार्ट है वो तो एटलीस्ट समझ के पढ़ना पड़ेगा। जो उसमें टाइप्स हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो मैं बताता जाऊंगा। बाकी आपको मॉड्यूल से एक बढ़िया प्रॉपर स्टडी करनी है, ठीक है? तो अपने मॉड्यूल खोलना, पेज नंबर 29। हर किसी ने ओपन कर लिया? यस सर। यस सर। पेज नंबर 29 पे आप देखना, इसमें दिया गया है प्रॉपर्टीज में नायलॉन के। नायलॉन लिखा है, नायलॉन के लिए उसकी प्रॉपर्टी लिखी है। तो नायलॉन इज द हाई स्ट्रेंथ फाइबर, इट इज इलास्टिक एंड सो डज नॉट लूज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। इट इज वन ऑफ द लाइट सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। लिखा गया है? यस सर, यही लिखा है। सबने अपने अपने वीडियो ऑन कर लिए क्या? क्लास में इतनी यूनिटी के साथ 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 ऑफ कर लेते हो? बेटा ऑफ क्यों कर लेते हो यार वीडियो? सर आज टेस्ट है तो नेट बचा रहा। अरे यार कर लेना 10 रुपए का रिचार्ज फिर से यार। नो सर, सर मॉडेम लगा है सर। कोई बात नहीं, चलो बेटा प्रॉपर्टीज के अंदर है। नायलॉन एक हाई स्ट्रेंथ का फाइबर है, इट इज इलास्टिक, ये इलास्टिक भी होता है एंड सो डज नॉट लूज स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को भी लूज नहीं करता इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। बार बार भी इसको हम अगर यूज करें फिर भी अपनी स्ट्रेंथ को गवाता नहीं है। इट इज वन ऑफ द लाइट सिंथेटिक फाइबर, और एक लाइट सिंथेटिक फाइबर भी है, इसका वेट भी हल्का होता है। इट इज लस्टरस एंड इजी टू वॉश, इसको इजिली धुल भी सकते हैं और इजिली ये, और ये अच्छा लस्टरस फाइबर भी। अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी ने सोचा है कि जब हम कोई नायलॉन की टी शर्ट पहन रहे हैं तो उसमें कॉटन क्यों मिलाया गया? बताओ। कॉटन भी हल्का होता है, वो तो ठंडक प्रोवाइड करता है, और नायलॉन भी हल्का है इसलिए सर कॉटन मिलाया जाता है। नहीं, नायलॉन और कॉटन के मिक्स्ड फाइबर। आप जब टी शर्ट पहनते हो, वेट एंड वॉच, प्लीज वेट एंड लिसन। जो आप टी शर्ट पहनते हो आप देखते हो कि नायलॉन भी होता है उसमें, या फिर पॉलिस्टर है तो पॉलिस्टर भी होता है। आप साइंथेटिक की टी शर्ट पहनो, आपके पास किसी ने अगर एडिडास वगैरह की टी शर्ट खरीदी हो, अच्छी टी शर्ट खरीदो, तो उसमें अंदर की तरफ वो थोड़ा सा कॉटन वगैरह भी लगा हुआ होता है और बाहर की तरफ वो पॉलिस्टर भी होता है। तो आप बताओ पॉलिस्टर या नायलॉन, तो बताओ पॉलिस्टर और कॉटन क्यों दोनों यूज होता है? सर क्योंकि जो प्योर सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, अपनी स्किन के लिए। अच्छा सर, मैं आए? यस सर। जिससे कॉटन की जो प्रॉपर्टीज हैं कि वो हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेगा, वो हमको मिल सके, और साथ में नायलॉन, तो हम इसलिए उसके संग मिक्स करते हैं। तो कॉटन यूज कर लेते, नायलॉन क्यों यूज करना था? कोई कुछ एक्स्ट्रा बोलना चाहता है तो बोल सकता है सर। रैशेज हो सकते हैं सर सिंपल सिंथेटिक फाइबर से। अकेला नायलॉन होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा स्वेट। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा देखो हम कभी जब, अच्छा आपने कभी सोचा है कि अगर जैसे आप स्वेटर पहन लेते हो, एक उठा के स्वेटर पहन लिया, आपने कुछ अंदर नहीं डाला, कुछ भी इनर वियर वगैरह कुछ भी नहीं पहना, शर्ट भी नहीं पहनी, सीधे स्वेटर पहन लिया, आपको अच्छा लगेगा? कहीं आप जा सकते हो स्वेटर पहन के ऐसे? नो सर। बेटा कंफर्ट नाम की भी एक चीज होती है, वो भी मिलनी चाहिए बॉडी को। अगर वो नहीं मिल रही तो कोई भी कपड़ा कितना भी अच्छा हो, आपने स्वेटर 20,000 का खरीद लिया हो लेकिन आपने अगर 10 रुपए की बनियान खरीदी तो आप पहन के आप खुश रहोगे, क्योंकि वो अंदर आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेगा, राइट? आपकी बॉडी में जो भी स्वेटिंग होगी उसको भी अब्सॉर्ब कर रहा होगा, तो आपके साथ वहां पर कंफर्ट प्रोवाइड करता है आपका कॉटन। कंफर्ट के साथ साथ आपके अंदर जो बॉडी से जो भी निकलता है लिक्विड या फिर जो भी स्वेटिंग होती है उसको एब्जॉर्ब भी करता है और आपको एक प्रॉपर तरीके से वो मतलब मेंटेन भी रखता है। लेकिन जो पॉलिस्टर है या जो नायलॉन है वो भी अपना काम करने के लिए तैयार रहता है और वो उस कॉटन के साथ बोलता है कि भाई मैं तुम्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा हूं और तुम इस बंदे को थोड़ा सा कंफर्ट प्रोवाइड करो। तो वो क्या करता है, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो भी दूसरा हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है,
और कॉटन हमें प्रोवाइड करता है क्या, कंफर्ट। तो कंफर्ट और स्ट्रेंथ दोनों का मिक्सअप हो जाता है और हमें एक अच्छा सा प्रॉपर फैब्रिक मिल जाता है। इसीलिए हम जब यूज करते हैं नायलॉन वगैरह को तो उसके साथ थोड़ा बहुत नेचुरल फाइबर भी मिक्स करके यूज करते हैं, राइट? कोई समस्या है? नो सर, कोई समस्या। कॉटन को इजिली वॉश कर सकते हैं, ये एक लाइट सिंथेटिक फाइबर है, मतलब हल्का होता है। कॉटन जो, सॉरी, हम नायलॉन के बारे में बात करें तो नायलॉन लस्तरस भी होता है, इजी टू वॉश होता है, ये हल्का भी होता है और इसको हम इजीली यूज भी कर सकते हैं। इलास्टिक भी होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, क्योंकि इलास्टिसिटी जिसके अंदर होगी उसके अंदर स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी, राइट? यस सर। ठीक है, तो अभी हम यूजेस में बात करें अगर, तो यूजेस के अंदर भी देखना, उसमें लिखा हुआ है इट इज यूज्ड इन मेकिंग सारीज, सॉक्स एंड स्टॉकिंग्स ईटीसी। पहले के जमाने में जो हम सॉक्स पहनते थे उसमें केवल नायलॉन यूज होता था। जब हम पहले, मतलब थोड़े दिन पहले जब नायलॉन की खोज हुई थी तो तब हम ब्लेंडिंग करना नहीं जानते थे। जब पहले मान लो कि ह्यूमन बी ने क्या किया, हमारे पास क्या था, नेचुरल फाइबर था, ठीक है? तो हमारे आसपास जो नेचुरली फाइबर था उसको हम यूज करते थे। फिर थोड़े दिन बाद दिमाग काम किया कि भाई देखो, नेचुरल फाइबर तो हर जगह यूज हो नहीं सकता। पहले तो यार पत्ते लपेट के जीते थे यार, फाइबर ही नहीं होता था। फिर थोड़े दिन बाद फाइबर जब सर्च हुई तो फाइबर से हमने यान बनाया, यान से क्या बनाया, फैब्रिक बनाया। तो स्पिनिंग और वीविंग करके हमने यान और फैब्रिक बना करके अपने लिए गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करके पहनने के लिए चीजें तैयार की। फिर जब नेचुरल फाइबर से आगे बढ़े तो हमने सिंथेटिक फाइबर खोजा। जब सिंथेटिक फाइबर आया तो जब जिस वक्त नायलॉन बना था, कभी कभी आप देखो कि सॉक्स पे लिखा हुआ है 100% नायलॉन। आप देखना जो सस्ते सॉक्स होते हैं उसमें आप 100% नायलॉन देखोगे। आप देखना कभी, जब भी आप जाते हो खरीदने एक शॉपिंग मॉल में या फिर कहीं भी, आप देखो कई सारे सॉक्स आपको ऐसे मिलते हैं जिसमें लिखा होता है 100% नायलॉन या 90% नायलॉन, 10% कॉटन, 80% नायलॉन, 20% कॉटन, 80-20%। तो ऐसे परसेंटेज वाइज में लिखा हुआ होता है। अब जैसे 80% नायलॉन और 20% कॉटन का मतलब क्या हुआ, अगर 80 ग्राम नायलॉन है तो केवल 20 ग्राम उसमें कॉटन है, तो मतलब कॉटन और नायलॉन का मिक्सअप है वो, राइट? Yes, sir. जब नई नई सिंथेटिक फाइबर की खोज हुई थी, जब नया नया सिंथेटिक फाइबर बनाया जाने लगा, तो उस वक्त पहले नायलॉन के कपड़े, जैसे नायलॉन का सॉक्स बना दिया, तो क्योंकि वो स्ट्रेचेबिलिटी प्रोवाइड करता था आपका। अब आपका दिन में कितनी बार पैर मुड़ता है, कितनी बार पैर सीधा होता है, कितनी बार आप शूज से चलते हो तो शूज कितनी बार बेंड करता है। तो अब आप बताओ, कॉटन का अगर आप पहनोगे सॉक्स तो ऑब्वियसली वो जल्दी से फटने की चांसेस होंगे। अगर स्ट्रेचेबिलिटी सॉक्स में नहीं आएगी तो पता लगा चौथे दिन आप सॉक्स खरीदो जाकर के, होगा ना सर? होगा। तो फिर इसीलिए हम जब वो पहनते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हम 100% सिंथेटिक यूज कर देते थे। तो 100% सिंथेटिक यूज करने से हमें कंफर्ट अच्छा नहीं आता था। पता लगा शाम को जब पहुंचते घर, दिन में सुबह निकले और शाम को घर वापस आते आते काफी दिक्कतें आई, काफी अनकंफर्टेबल फील हुआ, काफी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था। तो इसलिए क्या किया हमने, कॉटन और नायलॉन के उठा के मिक्स कर दिया। तो आज हम कॉटन और नायलॉन दोनों का यूज कर पा रहे हैं, हमारे अंडर बॉडी में कंफर्ट भी है, हम सॉक्स को पहनते हैं और वहां पर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होती है, राइट? Yes, समझ में आया या फिर से बताओ? अर्जुन निकला, कैन यू रिपीट? गार्गी, कैन यू रिपीट? सर, सर हम नायलॉन और कॉटन का इसलिए यूज करते हैं सर, क्योंकि जब भी हम 100% पहले 100% यूज होता था तो वो हमारे मतलब बॉडी के लिए, मतलब जैसे कि सॉक्स हैं तो वो बहुत बेकार रहते थे, और अब दोनों का मिक्सअप होता है तो वो कंफर्टेबल होता है, और सिर्फ अगर हम कॉटन यूज़ करेंगे तो वो जल्दी फट जाएगा, और अगर हम दोनों यूज़ करेंगे तो वो एकदम कंफर्टेबल होगा। इसलिए कुछ कुछ में, मतलब अभी जो मिलते हैं, आपने अभी बताया कि जो भी सस्ते मिलते हैं उनमें 90% नायलॉन या और 10% कॉटन होता है या 100% नायलॉन होता है। ओके, तो हम इसको हम क्या करते हैं, सॉक्स बनाने में यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम सॉक्स बनाने में, ठीक है? क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ अच्छी होती है, और पहले ये 100% तक यूज किया था, आज इसको हम 80-20 में भी यूज कर लेते हैं। सर, आपने लास्ट टाइम जो 4 पॉइंट्स लिखवाए थे सर, उसका आगे से ही कंटिन्यू करना है ये? हाँ बेटा, आगे से ही कंटिन्यू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी इट इज ब्लेंडेड विद वूल टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? क्या सर? इट इज ब्लेंडेड विद वूल्स
मैं बताता हूँ ब्लेंड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताता हूँ। सर वूल के संग मिक्स किया जाता है। देखो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग अलग अलग चीजें होती है बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। मिक्सिंग करना होता है कि रॉ मटेरियल को ही उठा के मिक्स कर दिया, मतलब इसको पीस पास के एकदम एक साथ मिला करके उसका यान बना लिया। लेकिन ब्लेंडिंग का मतलब होता है फाइबर को ब्लेंड करना। जब भी ब्लेंडिंग होती है वो फाइबर के बीच में ब्लेंडिंग होती है, मतलब कोई कॉटन फाइबर लिया और इसके फाइबर को आपस में ब्लेंड किया और उसके बाद उसको यान में कन्वर्ट किया, तो एक प्रॉपर तरीके से यान हमें मिल गया। मान लो हमें थोड़ा मोटा सा यान मिल गया ऐसे, ठीक है, हमने इनको ब्लेंड किया छोटे छोटे फाइबर्स को, ये वाले फाइबर, ये मान लो हमारा फाइबर ऊपर वाला जो था वो क्या था, नायलॉन था, और नीचे वाला क्या था, वूल था। तो नायलॉन और वूल को आपस में मिक्स किया और मिक्स करके ब्लेंड कर दिया, तो हमें यहाँ पर ये यान मिल गया, ठीक है। और ये यान क्या होती है, ब्लेंडिंग। और जब इस एकदम प्रॉपर रॉ मटेरियल की मिक्सिंग करते हैं ना, मतलब उसको एकदम पीस के मिलाना, या फिर जैसे कि हम साइंथेटिक फाइबर बना रहे होते हैं उसको पीस के मिलाते हैं, तो इस तरीके की मिक्सिंग होती है। लेकिन मॉडर्न टर्म में मिक्सिंग और ब्लेंडिंग एक ही चीज होती है। हमारे जो पढ़ने का टर्म होता है उसमें मिक्सिंग को भी और ब्लेंडिंग को भी हम सेम ही चीज बोलते हैं, कि मिक्सिंग भी वही है ब्लेंडिंग भी वही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इट इज ब्लेंडेड विद वूल, इसको हम वूल के साथ ब्लेंड करके क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जो हम कपड़ा जो स्वेटर पहनते हैं उसमें आप देखते होंगे कि बीच बीच में कहीं कहीं चमक रहती है और वो स्ट्रेचेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप खास करके जो हमें स्वेटर मतलब घर में नहीं बनाए गए हैं, जो मिलते हैं वहां पे जैसे कि फैब्रिक वगैरह खरीदते जाते हैं ना, मतलब स्वेटर खरीदने में भी तो मिलते हैं, हर कोई घर में स्वेटर नहीं बनाता है, सभी बनाते हैं। नहीं नानिया मेरी दादी बनाती है, लेकिन मतलब स्वेटर जो बनाते हैं ग्रेट है, तो खास करके जो हमें बना बनाया मिलता है ना उसमें उसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रेचेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। आप देखो तो उस स्वेटर में आप उसको ऐसे फैलाओ तो वो नीचे की तरफ फैल भी जाता है, और धीरे धीरे कहते हैं कि ये जब स्वेटर का छोटा खरीदो तो थोड़े दिन बाद वो सिकुड़ जाएगा या फिर थोड़े दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा। तो वो इसी इन्हीं स्ट्रेंथ की वजह से ही होता है, ये जो साइंथेटिक मटेरियल यूज होते हैं उसी की वजह से होता है। तो ये ब्लेंड करते हैं वूल के साथ नायलॉन को, तो क्या करता है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कोई दिक्कत नहीं है ना इस पॉइंट में? सर वूल ही क्यों बेटा, वूल कॉटन लिनन हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, बस कॉटन के साथ भी यूज कर सकते हैं, लिनन के साथ भी यूज कर सकते हैं, विस्कोस के साथ भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप के फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर बहुत सारे होते हैं, उनके साथ यूज कर सकते हो आप इसको, हर जगह यूज कर सकते हो आप। वूल को इसलिए स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं? नहीं नहीं, एक्चुअली प्रोसेस ये है, मैं बताना तो नहीं चाहता लेकिन क्योंकि आप पूछ रहे हो तो देखो, एक्चुअली होता है ये थोड़ा टेक्सटाइल टर्म हो जाएगा लेकिन मैं बता देता हूँ। जो नायलॉन होता है और जो वूल होता है दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं, यार नहीं है आपके सिलेबस में इसलिए मैं नहीं बता रहा, दोनों थोड़ा बता दीजिए सर, समरी बता दी। नायलॉन और वूल जो होते हैं दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ रखते हैं, मतलब एसिडिक फाइबर होते हैं। एक्चुअली इनको जब डाई वगैरह करते हैं ना, जैसे कि जो इन पे प्रिंट करते हैं, डाई का मतलब समझ रहे हो, जैसे आपने बालों को डाई करते हैं, वैसे लास्ट में फाइबर को भी या फैब्रिक को भी या फिर हम अपने यान को भी डाई करते हैं। तो जब उनका डाई करते हैं तो डाई करने के लिए सेम ही मटेरियल से दोनों डाई हो जाते हैं। अब एक साइंथेटिक फाइबर है, एक नेचुरल फाइबर है। अब अगर साइंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर सेम तरीके की डाई से डाई नहीं हुआ तो पता लगा हमें अलग अलग डाई करना पड़ेगा, अलग अलग मिलाना पड़ेगा, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो इसको सीधे बना लिया है कि यान और सीधे सीधे बस डाई कर दिया, उठा के डाई हो गया। तो इसलिए इनका यूज करना इजी इसलिए होता है क्योंकि ये सेम तरीके के, इनके अपने फंक्शनल ग्रुप की वजह से, अपनी कुछ कुछ पर्सनल केमिस्ट्री की वजह से ये दोनों ही सेम तरीके की डाई से डाई हो जाते हैं। इसीलिए नायलॉन और वूल का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, इसको हम NW से भी डिनोट करते हैं, राइट। डाई वगैरह करना इजी होता है इसलिए इसको हम साथ साथ लेते हैं। कॉटन के साथ लेंगे तो फिर उसमें अलग अलग डाई का यूज करना पड़ेगा, नायलॉन और कॉटन को अलग अलग डाई में यूज करते हैं। कॉटन पहले डाई कर लेते हैं, फिर नायलॉन अलग से डाई करते हैं, फिर दोनों को मिलाते हैं। तो इसलिए उनका डाई करना इतना इजी नहीं होता, उनको अलग अलग डाई से डाई करना पड़ता है। कॉटन होता है सेलुलोजिक डाई यूज होती है, नायलॉन के लिए एसिडिक डाई यूज होती है, और यहाँ पर वूल और नायलॉन दोनों के लिए एसिडिक डाई यूज होती है। तो बेटा अब मतलब थोड़ा सा तो यार समझना पड़ेगा ही, अगर समझना है तो समझो, नहीं तो कोई बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, ठीक है। आगे बढ़े, इट इज यूज्ड फॉर, अगला टर्म है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट्स, अम्ब्रेलास, पैरासूट्स एंड टारपोलाइंस। वेट हाँ, तो बेटा किसी को प्रॉब्लम है, इसको हम अम्ब्रेला वगैरह में बना के यूज करते हैं, पैरासूट में यूज करते हैं। आप देखते हो कि अम्ब्रेला, अच्छा बनाने का रीजन क्या है? अच्छा देखो, अम्ब्रेला बनाने का रीजन क्या हो सकता है, एक बार आप ध्यान से सोचो इस बात को। जो हमारे पास जैसे मान लो अम्ब्रेला है, ठीक है बेटा, होता क्या है, अम्ब्रेला पे जैसे ऊपर से पानी गिरता है
तो इस पे दो तीन चीजें होती हैं। पहली बात तो इसका स्ट्रेंथ इतना अच्छा होता है कि ये इजिली फटता नहीं है, इजिली ये रोक के रखता है अपने अपने वाटर को, बार बार अगर बूंदे गिरेंगे तो ये फटेगा नहीं इजिली। पहली बात तो ये है, अम्ब्रेला का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि साइंथेटिक मटेरियल है तो स्ट्रेंथ अच्छा है, और नायलॉन का है तो और अच्छी बात है, हमने बताया है कि नायलॉन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी यूज किया जाता है। अच्छा, दूसरा टाइप ये है कि ये पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। Yes. अगर मान लो वाटर इसके ऊपर गिरेगा तो बार बार ये एब्जॉर्ब करके अपने आप को खराब भी नहीं करेगा। लास्ट क्लास मैंने बताया था कि जो साइंथेटिक मटेरियल होते हैं वो पानी को या वाटर को एब्जॉर्ब जल्दी नहीं करते हैं, जबकि हमारा जो जैसे हमारा नॉर्मल नेचुरल फाइबर हो गया वो पानी वगैरह को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनके अंदर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है। तो ये रहता है वो सिर्फ नायलॉन का रहता है ना? नहीं, मिक्सिंग करते हैं, अगर जैसे मान लो कि हमें कोई चमकीला सा बनाना है, कोई महंगा बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मिक्सिंग करते हैं। मान लो सिल्क मिला दिया थोड़ा सा और मिक्स कर दिया और फाइबर मिक्स करके, हम मोस्टली तो नायलॉन ही होता है। हाँ, मोस्टली नायलॉन ही होता है बेटा, वो यूज करा जाता है उसमें। जैसे हम पैरासूट है तो पैरासूट में भी क्या है बेटा, पैरासूट में भी ऐसे ही होता है, उसमें भी एयर टकराने के चांसेस होते हैं। मान लो ऐसे जैसे हम कई कई बार देखो ना, अम्ब्रेला से फट जाता है, उल्टा तरफ हो जाता है, कभी देखते हो आप अम्ब्रेला लेके जा रहे हो और हवा चल रही है और उल्टा हो गया, बचपन में तो बहुत परेशानी होती थी। अभी तो थोड़ा बहुत समझ भी गए हैं, बचपन में बड़ी दिक्कत होती थी, कई बार हमारा खुद ही उल्टा हो गया, लेके जाने में भी डरते रहते थे कि घर में आके डांटना है वापस, क्योंकि हो ही जाएगा, वो नहीं समझ पाता था उसके बाद। तो ये होता ही था इसी रीजन की वजह से, क्योंकि जो हमारा एयर है उसके पास क्या है, एयर के पास है स्ट्रेंथ, एयर इसको पीछे की तरफ ले जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, मतलब एयर को रोक करके ये उल्टा चला जाएगा लेकिन फटेगा नहीं, इसी रीजन की वजह से ये उल्टा चला जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर अम्ब्रेला में चार पांच छेद कर दिया जाए बीच में तो क्या ये उल्टा होगा? नहीं होगा, क्योंकि एयर इसके अंदर से पास हो जाया करेगी। एयर पास होगी फिर उल्टा कैसे? जब एयर पास होगी तो उल्टा नहीं होगा, लेकिन जब स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है तो एयर पास होती नहीं है, और स्ट्रेंथ है उसको एयर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता रहता है, जिसकी वजह से इसकी उल्टा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीके से हम यूज करते हैं अम्ब्रेला में बेटा, लेकिन उल्टा होने के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि हम बनाएंगे नहीं सिंथेटिक मटेरियल का कि हमारा उल्टा हो जाएगा इसलिए अम्ब्रेला नहीं बनाएंगे। तो ऑब्वियसली हमें कई और सारी चीजें चाहिए, जैसे मान लो स्ट्रेंथ चाहिए हमें, उसके बाद एब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए, और भी क्वालिटी चाहिए कि हमारा खराब ना हो बार बार वाटर गिरे तो। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा वाटर तो खराब क्यों होगा? आप देखो 5 मिनट आपका अम्ब्रेला सूख जाता है, आप जब धूप में ले जाकर रख दो कितना भी भीगा हुआ है, आप 5 मिनट देखो आपका अम्ब्रेला 5 से 10 मिनट अगर धूप निकाले तो सूख जाएगा, देख कर देखना, क्योंकि उसके अंदर एब्जॉर्ब होता ही नहीं है वाटर, राइट? रेयॉन में भी स्ट्रेंथ होती है। कोई समस्या है किसी? हाँ, ये एब्जॉर्ब क्या अम्ब्रेला में रेयॉन यूज होता है? नहीं, वो साइंथ, क्योंकि वो एक तरीके से पूरा साइंथेटिक फाइबर नहीं था, उसमें नेचुरल फाइबर भी था, तो उतनी स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी जितना इसकी थी, और रेयॉन थोड़ा सा महंगा भी आता है। सर, अम्ब्रेला में वूल यूज होता है क्या? वूल क्यों यूज करेंगे यार, मतलब जबरदस्ती कहीं भी कुछ भी उठा दिया क्या? जल्दी से वो टूटते नहीं है। अगला पॉइंट है, ड्यू टू देयर हाई स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी नायलॉन थ्रेड्स आर यूज्ड टू मेक फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप्स, सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड स्ट्रिंग्स इन द बैडमिंटन एंड टेनिस रैकेट्स। कोई समझाएगा ये पॉइंट्स? सर, आप बोल के लिखवा रहे हो? लिखवाना है ही नहीं, पढ़ना है, लिखना है ही नहीं तुम्हें यार। सर, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, खींचा बहुत ज्यादा मैं आपको मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूँ तो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट आपको लिखना नहीं है, आप अपने आप से जो समझना लिख लेना बाद में, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझने की कोशिश करो, अगर आपको वीडियो देखकर कुछ लिखना होगा तो लिख लेना बाद में, ठीक है? तो पढ़ते जाओ। इलास्टिसिटी की वजह से स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए हम इनको, और इन्हें बहुत सारी चीजों में यूज करा जाता है, लाइक फिशिंग नेट्स, क्लाइंबिंग रोप्स, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स और बैडमिंटन के जो वायर होते हैं उनमें। किसी को पता है कि आसपास में ग्वालियर में कहीं बैडमिंटन कोर्ट है? यस सर, मोती महल में।
सर मोती महल में क्या खेलते हो सर बैडमिंटन? हाँ सर बैडमिंटन खेलते हो? हाँ हाँ खेलते हैं, लेकिन कोई कहीं मिल नहीं रहा था मेरे को, चलो बता देना बाद में क्लास के बाद। सर एलएनआईपी? सर मोती महल। ओके नायलॉन, तो नायलॉन के बारे में ये बातें थी, उसकी प्रॉपर्टीज थी, हमने नायलॉन की प्रॉपर्टीज बताया, उसके यूजेस बताया और नायलॉन को बताया, ठीक है। और हमने नायलॉन 66 भी बताया आपको लास्ट क्लास में, वो दो टाइप की यूनिट से मिलकर बना होता था, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। नायलॉन 66 इज अ वैरायटी ऑफ नायलॉन, तो उसकी भी कुछ क्वालिटीज हैं, किसी को पढ़ना है तो वो थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह से भी देख लेना कि नायलॉन कहाँ कहाँ से यूज होता है, कैसे कैसे उसकी प्रोसेसिंग करी जाती है उसकी, अगर उसकी मशीन प्रोसेसिंग यूनिट को देखना है तो आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। नायलॉन 66 सिलेबस में है? नहीं सिलेबस में नहीं था, वहाँ पे तो बस केवल नायलॉन 66 के बारे में बताया गया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि नायलॉन 66 एटलीस्ट पता हो कि वो एक वैरायटीज है, तो अगर मान लो कोई पूछे आपसे तो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें होती है? क्या सर सर मॉडल में लिखा है नायलॉन 66 सबसे कॉमन नायलॉन है? हाँ तो वो टाइप ऑफ नायलॉन है, मतलब कॉमन नायलॉन है, उसको उसका यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। सर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें होती है? सिल्क में। किसमें सर? सिल्क में। सिल्क में ओके सर। बेटा एक सिल्क का वायर ले लो और एक स्टील का वायर ले लो, उतना ही पतला स्टील का वायर हो उतना पहला सिल्क का वायर हो, आपका सिल्क का वायर नहीं टूट जाएगा भले ही स्टील का वायर टूट जाएगा, स्टील के वायर से भी ज्यादा सिल्क के वायर में स्ट्रेंथ होती है, आप समझ जाओ। नायलॉन का भी यही कहते हैं, तो सर नायलॉन ज्यादा अच्छा है कि सिल्क? बेटा नायलॉन का कंपेयर सिल्क से नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नेचुरल फाइबर है और ये एक साइंथेटिक फाइबर है, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ बना सकते हैं, इसको तो हमने बनाया तो कैसे ही बना ले, लेकिन एक सिल्क को अगर उन्हें सिल्क और नायलॉन को तोड़ा जाए तो सबसे पहले कौन से टूटते हैं? बेटा डिपेंड करेगा नायलॉन की क्वालिटी क्या है, नायलॉन पे कौन सा टाइप ऑफ नायलॉन है, तो वो डिपेंड करेगा कैसा नायलॉन है, इतना ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। आप से भी तो बना सकते हैं सर, केमिकल से यूज कर बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हां हां तो सर जैसे आप बोल रहे हो कि सिल्क ज्यादा वो होता है, तो सर अपन नायलॉन के रोप्स में यूज करते हैं बेटा, क्योंकि नायलॉन की जो नायलॉन है वो इजीली अवेलेबल है, नायलॉन के पास खर्चे नहीं है, सिल्क का कपड़ा बहुत महंगा आता है, अगर सिल्क का फाइबर या सिल्क का यान यूज करना हुआ तो बहुत खर्चे हो जाएंगे, अब जगह जगह सिल्क का अगर यान सिल्क का अगर रोप यूज करोगे पता लगा बिक जाएगा रोप ही खरीदने में घर, समझ रहे हो ना, तो सिल्क इतना इजीली नहीं अवेलेबल होता। सर जो काइट काइट का जो धागा होता है वो किसका होता है? काइट का धागा कट जाते हैं। क्या कह रहे हो? मांजा बोल रहा है सर, मांजा नहीं होता सर, मतलब उड़ाने में हेल्प करता है वो। अब वो तो वैरायटीज पे डिपेंड करता है यार, सर रेयन का भी मिलता है उसमें तो कांच भी मिलाया जाता है। सर वो नेचुरल होता है या फिर सिंथेटिक या वुमन में? सिंथेटिक सिंथेटिक ओके अगला चलो पॉलिएस्टर पे चलूं मैं? यस सर यस सर 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 नायलॉन किसी सर सिटी से लिया हुआ वर्ड है ना? यार मुझे हिस्ट्री तो नहीं पता यार नायलॉन की। न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क एंड लंदन न्यूयॉर्क एंड लंदन। अच्छा वो जो लाइन लिखी हुई है लास्ट में वो कह रहे हो, नायलॉन इज एन एक्रोनिम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द सिटीज न्यूयॉर्क एंड लंदन LON। So most common nylon is nylon 66. Its monomer units are adipic acid and hexamethylene diamine. So adipic acid और hexamethylene diamine के बारे में last class में बताया था मैंने, और nylon 66 के बारे में बताया था मैंने, क्योंकि वो उससे मिलने वाला एक फाइबर है और ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज किया था, नायलॉन की सबसे अच्छी वेराइटी में से एक है ये, और नायलॉन 6 भी होता है और भी चीजें होती है नायलॉन में, तो आपको नायलॉन 66 मैंने लास्ट का बताया था, एटलीस्ट उतना तो याद रखना ही। हाँ तो इसको आप देख लेना, न्यूयॉर्क सिटी और लंदन सिटी से मिलकर के बना हुआ है, हिस्ट्री तो हमें नहीं पता है अपने अकॉर्डिंग। सर जो हमारा नोट होता है वो किसका होता है? हाँ सर जो हमारा नोट होता है 10 का 100 वाला वो किसके किसका होता है? सर से बनता है वो तो। क्या सर वो ये पूछ रहा है कि सर जो अपना नोट है वो किससे मिलकर बनता है? सर यार ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी यूज होती है उसमें, तो सर पेपर को फाइबर के साथ मिलाते हैं। हाँ ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ी थी कि ब्लैक चेन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वो यूज करते हैं उसको।
कौन सी टेक्नोलॉजी सर? ब्लॉकचेन। सर प्योर पेपर नहीं रहता बट उसमें बहुत सारी चीजें मिलाई। सर पेपर के संग खाद ही मिलाई जाती है। ओके ओके जस्ट स्टॉप इट एंड जस्ट राइट डाउन द पॉलिएस्टर। So it is made up of repeating unit of a chemical called as ester, which has fruit-like smell. क्या किसी ने ester सुना है? Yes sir. Sir polyester. हाँ? Yes sir सुना है. Sir सुना तो लेकिन कभी देखा. Sir ester नहीं सुना sir polyester तो सुना था. Sir ester सुना है. कब सुना है? Sir fruit में smell के लिए use होता है. अच्छा और कहीं सुना? सर एक ईस्टर डे होता है। सर एक ईस्टर एग भी होता है। हाँ? सर एक ईस्टर एग भी होता है। ईस्टर क्या होता है? सर वो कार्टून में होता नहीं ईस्टर डे उसमें ईस्टर एग मिलता है टीवी पे आता था पहले कहीं। हाँ हाँ। सर एड में देखा था। ईस्टर एग वगैरह तो। पॉलीस्टर देखो ईस्टर से मिलके बना। देखो जब भी हम COOC किसने कार्बन कम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है कभी सुना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती होगी? सर उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सर कहता है सर इनऑर्गेनिक बहुत टफ होती है ऑर्गेनिक ये कौन बताया? सर मेरा बड़े भाई ने सर ऑर्गेनिक बहुत टफ होती है सर मेरे बड़े भाई ने मेरा बड़ा भाई भी पढ़ता है सर शिखर में सर 12th सर मेरा बड़ा भाई भी क्या बोला ऑर्गेनिक टफ होती है सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ होती है हां सर यही कह रहे थे सर दिमाग पक जाता है अरे यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन माय जेईई प्रिपरेशन सर अब लोग की समझ होती है तो ऐसा नहीं कहो यार कि टफ होती है फिर हमारा भी दिल टूट जाएगा सर कुछ सर आपको तो सर खुश होना चाहिए सर मेरे को टफ चीज पसंद है हैं आपको तो सर खुश होना चाहिए मेरे को टफ चीज पसंद है टफ चीज नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है चलो लिखो अभी तो सर आप बताना ऑर्गेनिक बायोलॉजी क्या होती है क्या सर आप कह नहीं रहे थे वो ऑर्गेनिक बायोलॉजी के बारे में क्या होती है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं तो उनमें एक टर्म है ईस्टर राइट क्या है ईस्टर मैं एक बार लिख देता हूँ पहले तो रिपीटिंग यूनिट सारी आपके बारे में सर ये फॉर्मूला है हाँ सर ईस्टर का नहीं नहीं पॉलीस्टर की ये एक पॉलीमर चेन है सर बीच में आपने हेक्सागन क्यों बनाया हाँ बीच में वो हेक्सागन नहीं है वो एक बेंजीन रिंग है आपको तो पता नहीं है एक्चुअली बेंजीन के बारे में लेकिन आप एक बार देख लेना कि ये पॉलीएथिलीन का जो मतलब एटम होता है पॉलीएथिलीन के साथ और इसके साथ जब ये इस वाले इनमें दो यूनिट्स होती हैं एक यूनिट ये होता है COOH और दूसरी यूनिट होती है CH2OH और CH2OH ठीक है आपने किसका फॉर्मूला लिखा ये होता है टेरेप्थेलिक एसिड और ये होती है एथिलीन ग्लाइकॉल सर इन दोनों से मिलकर बना है इन दोनों की यूनिट से मिल करके बनता है अब अगर आप इनको इनमें क्या होता है ये दोनों यूनिट मिलकर बनाती हैं तो ये बहुत सारे पॉलीमर जैसे लास्ट वाली क्लास में बताया था नायलॉन के लिए तो वैसे ये दोनों यूनिट क्या करती हैं रिएक्शन करती हैं तो यहाँ पर क्या होता है ये वाटर रिड्यूस हो जाता है एक्चुअली
आपको रिएक्शन नहीं आती इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा। तो ये वाटर रिमूव कर देता है और ये आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो ये कैसे बनाता है, ये आपस में जब रिएक्शन करता है तो ये एक बेंजीन रिंग बीच में, बेटा डर मत जाना वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले भाई से सुन के, ये कोई दिक्कत नहीं है, इधर आराम से ये याद हो जाएगा। इधर सी ओ सी एच टू सी एच टू ओ, और ये आगे भी ऐसे एज इट इज अटैच होता जाता है, और इधर भी सी ओ और ओ के तरह लिख के, और यहाँ पर एक डॉट क्रॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि आगे भी ऐसे रिपीटेड यूनिट चलती जाएंगे चलती जाएंगी। आप इसको चाहो तो और भी यूनिट्स लिख सकते हो, राइट। मतलब हमने यहाँ पर इन दोनों की एक एक यूनिट डाली है, आप चाहो तो फिर से यहाँ पर टेरेथलिक एसिड और एथिलीन डाइक्लोराइड के बाद फिर से टेरेथलिक एसिड डालो और फिर से एथिलीन डाइक्लोराइड डालो, तो वो ऑलरेडी एक दूसरे से अटैच होकर चला जाएगा, राइट। मेरी बात समझ में आई या नहीं? समझ में आ गया। क्या आपने ईस्टर का बताया ना? नहीं नहीं, ये पॉलीस्टर है बेटा, ये पॉलीस्टर है। जो ईस्टर होता है, ईस्टर किसको बोलते हैं आपको बता दो, यहाँ पर सी ओ ओ सी के यूनिट, जहां पर कभी भी सी डबल बॉन्ड ओ सी आ जाए यहाँ पर भी सी रहे, ऐसी टाइप की यूनिट को बोलते हैं ईस्टर। जब आर सी ओ ओ सी का टाइप का टाइप आए या फिर सी ओ ओ ग्रुप कभी भी बीच में आए तो उसको बोलते हैं ईस्टर। कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन तीन है ना, तो यहाँ पर सीओ ग्रुप बीच में आया, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पर इसे पॉलीस्टर बोलते हैं क्योंकि ईस्टर का एक फॉर्मेट है और पॉली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉलीमर है। तो पॉलीमर और ईस्टर से मिलकर बना हुआ है पॉलीस्टर, और पॉलीस्टर से समझ में आता है कि ईस्टर उसकी एक यूनिट है, मतलब ईस्टर से ही मिलकर बना है। और पॉलीस्टर बनाने के लिए यहाँ पर दो टाइप की चीजें यूज की गई है, एक टेराथलिक एसिड और दूसरा एथिलीन डाइग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। कम से कम नाम याद रखना, जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर याद रखो, लेकिन नाम जरूर याद रखना कि एथिलीन ग्लाइकोल और टेराथलिक एसिड के यूज से मिलकर बनना होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीस्टर। सर सर पॉलीस्टर में ईस्टर मोनोमर हुआ कि टेरेथलिक एसिड और बेटा टेरेथलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल मोनोमर्स हैं उसके, ये दोनों मोनोमर्स हैं और मिला करके एक पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर तो ये हुए ना जिनका अटैचमेंट हुआ है, और ईस्टर में एक फंक्शनल ग्रुप है जो बन करके आया हुआ है, राइट। ओके सर, ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं रही? नो सर। ओके, आपके पॉलीस्टर के पार्ट में लिखना लिखा हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए केमिकल कॉल्ड ईस्टर व्हिच हैज फ्रूट लाइक स्मेल। ईस्टर के पास फ्रूट जैसी स्मेल होती है और ईस्टर के रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना होता है। मतलब मोनोमर तो दो होंगे हमारे, एथिलीन एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, लेकिन रिपीटिंग यूनिट बार बार आएगी ईस्टर की क्योंकि बार बार वो अटैच होते जाएंगे। बेटा मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आपको बार बार कंफ्यूजन ना रहे पॉलीमर के अंदर एटलीस्ट, ताकि आप, मैं क्योंकि कई बार कह चुका हूँ अटैच होता जाएगा होता जाएगा। आज आप देख ही लो इसको, मान लो आपके पास सी ओ ओ एच है, ठीक है। अब मान लो सी ओ एच है इधर, या हाइड्रोजन हटेगा तो मान लो एक बॉन्ड इधर बन जाएगा। अब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये यहाँ पर ध्यान से देखना, बाद में लिख लेना प्लीज। अब यहाँ पर ये रिपीटिंग यूनिट बनाएगा, अब यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ है, फिर सी एच टू है, फिर सी एच टू है, और फिर यहाँ पर भी ओ एच आने वाला था लेकिन ओ के साथ में बगल में, फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये, तो फिर से जब स्टार्ट हो जाएगा तो ये फिर से बना देगा सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर ये आपका ये बन जाएगा, फिर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, फिर सी एच टू सी एच टू सी एच टू, फिर ओ लगाओ, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एक मिनट रुको, फिर डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर एक यूनिट डालो, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर सी एच टू सी एच टू, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पर बेंजीन रिंग। आपको समझ में कैसे जुड़ता चला गया, पहले ये वाला था, ये यक्स है, मान लो ये अपना क्या है, कौन सा एसिड है, टेरेथलिक एसिड है, और फिर ये एथिलीन डाइग्लाइकोल है वाई, फिर टेरेथलिक एसिड है, फिर एथिलीन डाइग्लाइकोल है वाई, फिर टेरेथलिक एसिड है, फिर एथिलीन डाइग्लाइकोल है वाई, यूज हो रहा है ना, यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई हर जगह। आज समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ऐसे बहुत लंबी सी चेन बन जाती है, इसीलिए यहाँ पर इसको दिखाने के लिए बस यहाँ पर एक आगे लाइन कर दी और यहाँ पर भी आगे एक लाइन कर दी, आप समझ जाना कि आगे तक ये जाएगी, ये पॉलीमर लिखने की टेक्निक है बस, इसीलिए हमने इसमें एक आगे लाइन कर दी थी कि आगे भी ये बॉन्ड बनाएगा और यहाँ भी एक लाइन कर दी थी कि आगे भी ये बॉन्ड बनाएगा। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है बेटा, ये तो तीन चार हैं, ऐसे लाखों होते हैं एक पॉलीमर के अंदर, बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने अंदर एटम्स होते हैं वैसे इनके अंदर ऐसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट बनती जाएंगी। ये मोनोमर्स हैं, दो मोनोमर है इसमें और वो हर जगह रिपीटिंग यूनिट ईस्टर बना रहा है। ये देखो ईस्टर बार बार बन रहा है, आप अगर एक बार ध्यान से देखो तो यहाँ भी सीओओ ग्रुप है,
यहाँ भी सीओ बीच में आया है, फिर एक स्तर यहाँ पे आया है, फिर एक स्तर यहाँ पे आया है, फिर एक स्तर यहाँ पे आया है, अरे यार फिर एक स्तर यहाँ पे आया, ऐसे बार बार ये आता जाएगा और मोनोमर्स और पॉलीमर्स मोनोमर मिलकर के पॉलीमर बनाते जाएंगे। आया है ना सीओ ग्रुप बार बार, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो पॉलीस्टर की प्रॉपर्टीज के आगे देखना, तो पॉलीस्टर के प्रॉपर्टीज में लिखा गया है, आप देखोगे, इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड हेंस ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग। ये बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, आपको पहले बताया कि जितने नेचुरल जितने सिंथेटिक फाइबर होते हैं बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, बल्कि एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं जल्दी से, तो हेंस इट ड्राई क्विकली आफ्टर वॉशिंग। जब इसको वॉश करते हैं इसके बाद ये जल्दी से सूख जाता है, हो जाएगा ना ऐसा? अरे यार लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था कि सर अगर हम एक सिंथेटिक फाइबर के कपड़े को धुलें और एक हम नॉर्मल नेचुरल फाइबर के कपड़े को धुलें और अगर हम उसको टांग दें सूखने के लिए सनलाइट के पास, तो कौन जल्दी सूखेगा? तो मैंने बताया ना लास्ट क्लास में कि नेचुरल फाइबर देर से सूखेगा क्योंकि उसके पास एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। आज ही बताया ये वाली बात यार मैंने कि अगर अगर नेचुरल फाइबर होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है इसीलिए जब बार बार गीला होने की कई सिचुएशन आए वहां पर ट्राई यही करना चाहिए कि पॉलिएस्टर वगैरह यूज करो जो ज्यादा एब्जॉर्ब ना करे ताकि अपनी फैब्रिक की क्वालिटी को डैमेज ना करे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन करना अच्छी बात नहीं है बार बार, राइट? यस यस सर। हाँ बोलो भैया। सर पॉलिएस्टर किसमें यूज होता है? पॉलिएस्टर भी सॉक्स वगैरह बनाने में यूज होता है, पॉलिएस्टर भी टी शर्ट बनाने में यूज होता है, पॉलिएस्टर को भी जैकेट बनाने में यूज किया जाता है, पॉलिएस्टर भी यूज होता है हमारा अम्ब्रेला बनाने में, दोनों ही फाइबर यूज होता है, दोनों ही सैनिटरी फाइबर है और दोनों ही लगभग सिमिलर क्वालिटीज के होते हैं, तो इसका भी यूज कर सकते हैं वहां पे हम। सर उसकी भी स्ट्रेंथ हाई रहती है? इसकी भी स्ट्रेंथ हाई रहती है। अरे बेटा अगला पॉइंट है, अगला आप देखो, इट इज प्रॉपर्टीज में अगला पॉइंट देखना, इट इज स्ट्रॉन्ग लाइट वेट एंड इलास्टिक फाइबर। कोई अंतर रहा है इसमें और नायलॉन में? नो से ज्यादा कुछ तो नहीं है, कोई अंतर ज्यादा नहीं है, वो भी लाइट फाइबर था इलास्टिक फाइबर था और उसमें भी स्ट्रेंथ अच्छी थी, इसमें भी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी। अगर नायलॉन और पॉलिएस्टर अगर यूज हुआ है आप इनफैक्ट पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा पॉलिएस्टर है कौन नायलॉन है किसमें यूज हुआ है, टी शर्ट दो अलग अलग होंगी आपको नहीं पता चल पाएगा, तो यूज दोनों ही का हो सकता है। इट इट रेजिस्ट रिंकलिंग एंड स्प्रिंग्स बैक इन टू द शेप व्हेन क्रीज। ये क्या करता है, जैसे क्रीज वगैरह डाल देते हैं ना, मतलब क्रीज क्रीज जानते हो क्या होता है? बेटा एक बात बताएं, आपने देखा होगा पहले पुराने जमाने के जो पैंट वेंट होते थे उसमें जब इसको लेके जाते थे ना कोई पैंट वेंट प्रेस करने के लिए, वो करते क्या थे यार, अगर ड्राइंग अच्छी ना है तो देख लेना, ऐसे पैंट होता था ना, जब इसको हम किसी धोबी से प्रेस करवाते थे तो वो क्या करता था, इसको फोल्ड करता था, जब फोल्ड करता था तो तीन पार्ट में जनरली फोल्ड करता था ना, फोल्ड करके यहाँ पे इसको डाल दिया और इसको यहाँ फोल्ड करके डाल दिया, तो ये कुछ ऐसा बन जाता था, ऐसे फोल्डिंग में आता था ना, ये इतना तो याद ही होगा सबको। यस यस सर। ऐसे फोल्ड होकर कैसे बन जाता था, ठीक है? तो जब आप कहीं शादी वादी में जाया करते थे या बचपन में किसी के यहाँ देखा हो गया होगा कि शादी वादी में गए और वहां पे क्रीज बनी है अगर आपके पैंट में, तो लगता था कि हाँ प्रेस प्रेस करके पहना है और अच्छा कपड़ा पहना है, होता था ना? यस सर। क्रीज वही होती है, वही उसी को बोलते हैं क्रीज। क्रीज बन जाना मतलब उस पर क्रीज का दिखाई पड़ना, जब आप प्रेस इस पे लगा के इसको फोल्ड करके और प्रेस इस पे मारते हो ना तो क्रीज दिखाई पड़ती है, तो पहले तो क्रीज अच्छी लगा करती थी, आज के जमाने में क्रीज का होना बुरा है, कहते नहीं क्रीज नहीं होनी चाहिए यार, क्रीज तो मतलब हमारे कपड़े को डैमेज करती है, दिखाती है कि हमारा कपड़ा उल्टे शेप का है गलत शेप का है या कहीं 500 साल से हमने रखा था ऐसा लगता है, आज ऐसा आज अगर क्रीज पहन के जाओ तो लगता है कि बहुत पुराना आदमी कोई आ गया, लेकिन पहले के जमाने में क्रीज पहनना बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर कोई कहीं बहुत नई जगह पे जाना होता था तो लगता था क्रीज अगर बनी हो पैंट में तो अच्छा लगेगा, तो क्रीज यही होता है, तो आज जब ये क्रीज बनानी होती है तो जब आप कहीं कोई फॉर्मल पैंट पहन रहा होता है तो देखो लंबी लंबी क्रीज बनती है, फॉर्मल पैंट को फॉर्मल पैंट में क्रीज यहाँ पे बनती है कहीं पे, आप देखना कभी भी यार फॉर्मल पैंट कभी प्रेस करवाना, जब प्रेस करवाओगे ना तो क्रीज यहाँ पे बनी होगी इस वाले पॉइंट पे, आगे और पीछे ऐसे दोनों तरफ बनी होती है क्रीज, बनी होती है नहीं बनी होती है ना? यस सर। हमें लगता है ऐसे ऐसे अस्तर कर रहे हो, आता ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब क्रीज बनी होगी तो yes, sir. क्या होता है, जो हमारा पॉलिएस्टर होता है ना, जो पॉलिएस्टर वगैरह होता है, पॉलिएस्टर क्या करता है, इसमें लिखा गया है इट रेजिस्ट रिंकलिंग एंड स्प्रिंग्स बैक इनटू शेप व्हेन क्रीज्ड। अगर इसको हम क्रीज कर दें, अगर क्रीज डाल दें
तो अगेन ये अपने शेप में आने में बहुत दिक्कत करता है। हमारा जो कॉटन फाइबर है क्रीज बना हुआ होता है, 4 दिन पहनोगे पता चलेगा कपड़ा फिर वैसा का वैसा हो गया, अगली बार जब धुलाओगे तो फिर से क्रीज बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पॉलिएस्टर पे क्रीज डालने की कोशिश करते हो, अगर आप कभी देख रहे हो यार पॉलिएस्टर का मैं क्या बताऊं, अगर आपके पास पॉलिएस्टर की टी शर्ट है और आप उसको मोड़ना, आप उसको मोड़ के देखना, अगर आप उसके ऊपर प्रेस कर दोगे ना, गर्म करके प्रेस कर दोगे, आप देखोगे 3-4 दिन बाद भी या 10 दिन बाद भी वो अपने शेप में आने में बहुत मुश्किल होगी उसको, और उसमें एज इट इज लाइनिंग एज ए क्रीज बनी रहेगी। आप देखना करके भैया, इतना तो कर ही सकते हो। तो एज इट इज वो लाइनिंग बनी रहेगी, एज इट इज क्रीज बनी रहेगी, क्योंकि जो पॉलिएस्टर होता है वो रेजिस्ट करता है बैक साइड जाने में। मतलब अगर आप पॉलिएस्टर में क्रीज डाल चुके हैं तो वो अगेन अगर उसको आप पुराने शेप में लेके जाना चाहते हैं तो इतना इजीली वो पुराने शेप में नहीं जाएगा, वो एज इट इज क्रीज मेंटेन करेगा। तो आज के जमाने में अगर हम वो जमाना होता पता चलता पॉलिएस्टर का जूता पहन लो या पॉलिएस्टर का कोई कपड़ा पहन लो, पता लगा क्रीज बनी रही सालों 2 सालों तक, मैं बार बार प्रेस भी कराने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसमें कंफर्ट अच्छा नहीं होता इसलिए हम पॉलिएस्टर नहीं पहनते हैं, राइट? और लोगों को समझ में भी आ जाता है कि भैया पॉलिएस्टर पहना हुआ है, कहीं मैच खेलने जा रहा है, क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो पॉलिएस्टर पहन के वैसे भी हम कहीं जा नहीं सकते हैं। कभी देखते हो किसी को ऑफिस पहन के लोअर जाते हुए, ये पॉलिएस्टर की कोई चीज होती है क्या? तो पॉलिएस्टर वगैरह पहनते इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें क्रीज एज इट इज मेंटेन रहती है, उनका कुछ अलग ही क्वालिटी होता है, कंफर्ट भी प्रोवाइड नहीं करते। तो पॉलिएस्टर की कभी कोई कपड़ा खरीदता है क्या? किसी को शादी पे जाना है तो पॉलिएस्टर या नायलॉन कपड़ा खरीदता है कोई? खरीदता है क्या? उसका कपड़ा खरीदेंगे तो हम केवल बस ज्यादातर हम यूज करते हैं अपने स्पोर्ट्स वियर में या फिर स्पोर्ट्स की चीजें में करने में या फिर सॉक्स वगैरह में। तो पॉलिएस्टर वगैरह का जो यूज होता है वो ज्यादा हमारी बॉडी में ऐसी चीजों को, या मान लो हम शर्ट पहने तो शर्ट कभी पॉलिएस्टर की नहीं पहनूंगा यार, कम से कम शर्ट तो नहीं पहनूंगा, इतना तो नहीं गिर गया हूँ कि शर्ट पहन लूं पॉलिएस्टर की। तो पॉलिएस्टर की शर्ट नहीं, जबकि कॉटन की शर्ट हम पहनते हैं जनरली। हम जैकेट पहनते हैं तो वो पॉलिएस्टर की हो सकती है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ अच्छी आनी चाहिए। पॉलिएस्टर में अंदर एयर भी पास नहीं करती है, तो आपको पॉलिएस्टर की अगर एयर अगर पहनाई दी जाए कोई जैकेट तो आपके अंदर एयर पास नहीं करेगी, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत कंफर्ट भी फील होगा सर्दियों के महीने में, क्योंकि एयर का आना जाना भी अगर ठंडी हवा बार बार आस पास आ जा रही है, बेटा वो कोरस वाला कॉन्सेप्ट मत बोलना, लेकिन फिर भी अगर मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ तो पॉलिएस्टर अंदर क्योंकि एयर को आने जाने देता इसलिए आपको वो गर्मी प्रोवाइड भी करता है। तो पॉलिएस्टर की यहाँ पे यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली हम यूज नहीं करते क्योंकि वो क्रीज वगैरह बना लेता है ना, तो वापस आने में बहुत मुश्किल हो जाती है। मेरी बात शायद समझ आई होगी? सर आपकी बात समझ में आई है। चलो पॉलिएस्टर की यूजेस पे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है? तो एक बार यूजेस अपने आप से देखना पॉलिएस्टर के, उसके बाद नहीं आए तो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस करूंगा ही, फिर लास्ट क्लास में एक्रेलिक और केरोसोल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? So you can leave the meeting. I don't think कोई दिक्कत रही होगी। मैंने टेक्सटाइल को भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की थी। हाँ बोलो। Thank you, sir. बस आप टेफ्रॉन के बारे में समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में, आओ समझा देंगे। Okay, sir. Okay, you can leave the meeting.